विश्ववंदनीय त्रिशलानंदन चरम तीर्थंकर शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। जीवन में सबके बड़ा ही है टेंशन, पर जहाँ मिलता हर उलझन का सॉल्यूशन, ऐसे तिन्नानम तारयानम नमो लोय सव सौनम पद को सुशोभित करने वाले समस्त चारित्र आत्मा के चरणों में मेरा त्रिवार वंदन। आप सभी को सादर प्रणाम और जय जिनेन। सजा है घोटी का जिन शासन का प्रांगण, सजा है घोटी का जिन शासन का प्रांगण, तपस्वी को है मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। वंदन है अभिनंदन है आप रो, वंदन है अभिनंदन है आप रो, दमक रह यो महावीर भवन, पल है यो तप अनुमोदन रो, तप अनुमोदन रो। खिल उठा है ये चमन, हंस रहा है ये गगन, तपस्वी का है अभिनंदन, तपस्वी का है अनुमोदन। आज तो सब मेकअप से भारी कपड़े गहने पहने हुए हैं, पर इस सभा में सबसे ज़्यादा निरख रहे वो हमारे तपस्वी। पूर्णिमा के चांद के समान सौम्यता और सूर्य के समान तेजस्विता, ओजस्विता मुख पर झलक रही है। आर्टफुल आर्टफुल जिन शासन इज आर्टफुल, पावरफुल पावरफुल गुरुदेव इज पावरफुल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तपस्वी इज ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल सक्सेसफुल मास्कमन तपस्या सक्सेसफुल। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न पूछा, भंते मोक्ष मंजिल तक शीघ्र पहुँचाने वाला मार्ग कौन सा है? तो भगवान ने फरमाया, त यानी तत्काल, प यानी पहुँचाना, अर्थात तप का मार्ग मोक्ष तक तत्काल पहुँचाता है। इसलिए सम्यक तप का मार्ग एक प्रयोगशाला है जो आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयोग कराता है। एक पानी की बूंद शिव को मोती बना देती है, वैसे ही गुरु कृपा आत्मा को परमात्मा, कंकर को शंकर बना देती है। ऐसे ही भाभी पर गुरु कृपा बरसी और आज मास्कमन तप पूर्ण हुआ। जो तपता है वह पकता है। सूरज तपता है तभी वह सौर ऊर्जा भरता है, दीपक तपता है तभी रोशनी लुटा पाता है। ऐसे ही आत्मा रूपी दूध को तपाने के लिए शरीर के बर्तन को भी तपाना जरूरी है। जो तपता नहीं वह पकता नहीं, जो तपता नहीं वह चमकता नहीं। तप से ही निखार आता है, हीरे को तराशने से ही वह चमकदार बनता है, तराशने का नाम ही तप है। तप केवल काया को नहीं चमकाता तो आत्मा को भी श्रृंगारित करता है। कर्म क्षय करने का सबसे बड़ा माध्यम तप ही है। दृढ़ मनोबल, परिवार का साथ और गुरु कृपा, इन तीनों का सहयोग होने पर ही तपस्या होती है, और इन तीनों का सहयोग भाभी को मिला और आज मास्कमन तप उनका पूर्ण हुआ। भाभी आपको देख मेरे भी मास्कमन के भाव हो रहे हैं, गुरुदेव कृपा करवाना कि मेरा भी मास्कमन हो। शरीर को सुधारे उसे डॉक्टर कहते हैं, मशीन को सुधारे उसे इंजीनियर कहते हैं, और जो आत्मा को सुधारे उसे वीर कोहिनूर कहते हैं, वीर कोहिनूर कहते हैं। गुरुवर का आशीष पाया, परिवार ने साथ दिया, गुरुवर का आशीष पाया, परिवार ने साथ दिया, मारा सबकी प्रेरणा मिली, तब की आत्मज्योत जली। क्षरस और मिष्टान मन को नहीं लुभाते, कदम बढ़ाते रहे मनोबल दृढ़ करते करते। आज के 31 उपवास के पचकान है खास, आज के 31 उपवास के पचकान है खास, हो रही भाभी की मास्कमन की पूरी आस। धन्य है भाभी आप और धन्य है आपका तप, आपकी और आपके तप की बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। जय जिनेन खमत खामना।